नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अराउंड द वर्ल्ड विथ मी के 80th एपिसोड में। आज हम चलेंगे दर्शन करने टपकेश्वर महादेव का मंदिर, और टपकेश्वर महादेव का मंदिर देहरादून में है। देहरादून अपने नेचुरल वंडर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और इसमें अलग अलग तरह के पार्क्स, टेंपल्स और प्लेसेस हैं जिसको देखा जा सकता है। टोंस नदी के किनारे यह एक भगवान शिव का अत्यंत प्राचीन गुफा है। यहाँ पहुँचने के लिए देहरादून का एयरपोर्ट है और देहरादून का रेलवे स्टेशन है। अगर आप रोड से दिल्ली से आना चाहें, हरिहरगढ़ है, यहाँ पर पकौड़े बहुत ज़्यादा फेमस रहते हैं, क्योंकि पकौड़ों की दुकान है। गरम गरम पकौड़े तले जा रहे हैं। और ये मिक्स पकौड़े, सारे पकौड़े की दुकान हर तरफ है यहाँ पर रोड के किनारे। इस मंदिर की खासियत है कि यहाँ के गुफा में भगवान शिव के जो शिवलिंग है उसके ऊपर जल टपकता रहता है मंदिर में, चाहे मौसम कोई सा भी हो, मंदिर के अंदर का जल शिवलिंग पर हमेशा टपकता रहता है, और इसीलिए इस गुफा को और इस मंदिर को टपकेश्वर महादेव मंदिर का नाम दिया गया है। आइए वो भी कवर करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे कुछ टपकती हुई बूंदें। ये टपकेश्वर महादेव का मंदिर का एंट्रेंस है, और हम देहरादून में यहाँ पर टपकेश्वर महादेव के आपको दिखाते हैं। आइए, ये मंदिर का रास्ता है श्री टपकेश्वर महादेव, और टपकेश्वर महादेव का दर्शन करने आइए आपको ले चलते हैं मंदिर के अंदर। सीढ़ियाँ हैं, इससे नीचे उतरना पड़ता है टपकेश्वर महादेव के लिए। ये प्राचीन गुफा है, गुफा तक जाएंगे। ये टपकेश्वर महादेव का मंदिर है। यह मंदिर साल में हमेशा हर त्यौहार पर श्रद्धालुओं से बहुत ज़्यादा भरा रहता है, और हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार यह मंदिर महाभारत काल के समय का है या उससे भी पहले का है। ऐसा कहा जाता है कि गुरु द्रोण जो कौरव और पांडवों के गुरु थे इसी गुफा में रहा करते थे, और इसी गुफा में भगवान शिव की आराधना के कारण उन्हें इतना ज्ञान और शस्त्रों का ज्ञान और मिलिट्री आर्ट्स का ज्ञान बहुत ज़्यादा उन्हें मिला। ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर अश्वत्थामा का भी जन्म हुआ था, और कृपी के कहने पर उन्होंने भगवान शिव की आराधना की थी, और अश्वत्थामा को दूध वो नहीं पिला सक रहे थे, और इसीलिए भगवान शिव ने इस गुफा में टपकता हुआ दूध उस वक्त टपका करता था, और दूध के टपकने के कारण ही इस जगह का नाम टपकेश्वर महादेव भी पड़ा है। ये गुफा है सामने, नदी की धारा बह रही है। ऐसा कहते हैं कि ये जगह है, ये द्रोण गुरु द्रोणाचार्य का तपस्या स्थल था, और यहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य ने तपस्या की थी, इसको द्रोण गुफा के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर कृपी और द्रोण यहाँ पर रहते थे, तपस्या करते थे, और यहीं पर अश्वत्थामा का भी जन्म हुआ था। तो ये जगह है, अंदर
मंदिर है तपकेश्वर महादेव का इस गुफा के अंदर। आइए देखते हैं इस गुफा के अंदर जाकर। तपकेश्वर महादेव शिवलिंग यही वो गुफा है द्रोण की, यहाँ पर गुरु द्रोण रहते थे और अश्वत्थामा का जन्म इसी जगह हुआ था। और इस टपकेश्वर में देखते हैं कि जो पानी का टपकना है ये टपकता रहता है पानी यहाँ पर। और शिवलिंग के ऊपर जल का टपकना यह होता है। ये गुफा है द्रोण गुफा हनुमान जी। टपकेश्वर महादेव के इस मंदिर में दो शिवलिंग है और शिवरात्रि के दिन इसका जो प्रभाव है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। गुफा के पास से ही नीचे टोंस नदी तक जाने का रास्ता है और टोंस नदी के पास पहुंचते ही जो टोंस नदी का तट है ये इतना रमणीय और खूबसूरत है कि इसके देखने का आनंद ही कुछ और है। कहा जाता है कि गुरु द्रोण ने अपना ज्ञान इसी नदी के किनारे, शस्त्रों का ज्ञान इसी नदी के किनारे प्राप्त किया था। और वैसे भी ये बहुत ही खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट के रूप में डेवलप हो चुका है, लोग भगवान का दर्शन करते हैं और टोंस नदी के किनारे का आनंद लेते हैं। आइए देखते हैं टोंस नदी का किनारा। इसी गुफा से नीचे नदी का रास्ता होता है और यहाँ पे दर्शन चले ये नदी है गुफा के साथ। धार बहुत ही तेज है नदी की। टपकेश्वर महादेव ये पीछे जो हम देख रहे हैं यहाँ पर ये जगह जो है यहाँ पर ऊपर ये वैष्णो देवी का भी माता का भी एक मंदिर बनाया हुआ है, तो अगर ऊपर से जाएँ तो इस मंदिर की तरफ भी पहुँच सकते हैं। लेकिन फिलहाल बहुत सुंदर जगह है टपकेश्वर महादेव। तो दोस्तों भगवान के दर्शन के साथ साथ
स्टोन्स नदी का किनारा और खूबसूरत देहरादून आपके मन को मोह लेगी। जरूरी है कि देहरादून आने के लिए जब भी अब मौका मिले, जब भी आने का प्लान बने, टपकेश्वर महादेव का मंदिर और टपकेश्वर महादेव का दर्शन एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है देहरादून में। एंजॉय कीजिए, भगवान शिव शंभु की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे। मिलते हैं अगली बार किसी और डेस्टिनेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।